सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या क्या उसमें चेक किया जाता है। अधिकांश जो बच्चों का कमेंट आता है कि सर उसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल लाइव आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपके सामने जो स्टूडेंट्स खड़े हैं, इनके मैं सबसे पहले चोटी से लगाकर एडी तक जो चेक किया जाता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम सामने पहुँच जाते हैं। आज अब अपन मेडिकल में सबसे पहले तो अपन हाइट वगैरह आपका चेक होता ही है, तो हाइट आपका यदि कंपलसरी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हाइट में आपका अगर थोड़ा सा भी कमी है, 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर भी अगर यदि कम है, तो आप पात्र नहीं हैं, आप बाहर हो जाएंगे। फिर हम लोग जाते हैं, सबसे पहले पूरी बॉडी को देखा जाएगा, कोई टूट फूट तो नहीं, कोई चोट तो नहीं है, गंभीर चोट तो नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको कंपटीशन के दौर में मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मित्र आँखों के ऊपर, जो ऊपर से ले रहे हैं अपन आँखों के ऊपर, तो आपकी आय एकदम साफ सुथरी, एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। 6x6 का चश्मा होना चाहिए, मतलब बिना चश्मे के ही होना चाहिए, एकदम साधारण आँखें होनी चाहिए। तो आपका यह समझ में आ गया। उसके बाद आपके कान सही साठ होने चाहिए, आपको सही से सुनाई देना चाहिए, आपको सामने वाला बोल रहा है तो बिल्कुल आपकी सुनने की क्षमता एक नंबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं नाक पे, जो नाक दिख रही है, बहुत सारों की नाक की हड्डी जैसे टूटी हुई रहती है, टेढ़ी रहती है, तो ये हड्डी चेक की जाती है। अगर ये टूटी हुई है, टेढ़ी हुई है, तो आपको इमेज दे देगा या मेडिकल में बाहर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं आपके दांत वगैरह, आपके दांत पूरे व्यवस्थित है कि नहीं है, सामने से वो भी देखा जाएगा। तो दांतों का भी थोड़ा व्यवस्थित आपके होने चाहिए, बहुत सारों के दांत होते नहीं है, टूटे हुए रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको बाहर का रास्ता, कंपटीशन के दौर में बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो उसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग चेस्ट पे पहुँचते हैं, तो चेस्ट भी आपका बिल्कुल व्यवस्थित, जो आपका उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है भाई, 80 से 85 सेंटीमीटर यदि दे रखा है तो आपको उतना होना चाहिए। 76 से 80 सेंटीमीटर अगर सीना दे रखा है तो उतना होना चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद चेस्ट में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चेस्ट के बाद हम लोग ले लेते हैं हाथों पे, हाथ भी बिल्कुल आपके व्यवस्थित होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ऊपर से आँख ले लिए, कान ले लिया, नाक ले लिया, यहाँ तक आ गए मित्र। उसके बाद हम लोग, जैसे बहुत सारे हर्निया वगैरह का ऑपरेशन रहता है या अन्य ऑपरेशन रहता है जो भर्ती में आदमी को दिक्कत दे सकता है, या फिर नौकरी करने में दिक्कत, जो आदमी नौकरी कर नहीं सकता, अगर ऐसे ऑपरेशन हुए हैं या अन्य प्रकार की डिसीज या बीमारी है, तो वो आदमी भी उसके लायक नहीं है, उसको मेडिकल में अनफिट घोषित कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे चले जाते हैं अंदरूनी पार्ट में। दोस्तों, आपको चेक किया जाता है हाइड्रोसिल वगैरह, तो यदि आपको हाइड्रोसिल की समस्या है, यदि आपको पानी भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका इलाज करवा लें, और उसका इलाज करने के बाद ही आप वहां जाएं, अन्यथा आपको वहां पे यदि हाइड्रोसिल की समस्या है तो आपको मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोग ये हाथ पैर से लगाकर यहां तक आ गए हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अपने जो घुटने, ये घुटने आपस में सटे हुए नहीं होने चाहिए, यदि घुटने आपस में चिपकते हैं तो आप मेडिकल से अनफिट हैं, आप मेडिकल में पास नहीं होंगे, तो इसलिए इसको दूर रहना ज़रूरी है। अब हम लोग आगे चले जाते हैं तलवे, तलवों में क्या है कि एकदम सपाट होता है तलवा, तो सपाट नहीं होना चाहिए, उसमें कर्व होना चाहिए। तो तलवे हो गए आपके, घुटने हो गए, तो घुटने देखो, देखो सामने दिख रहा है, घुटने इस प्रकार की गेप होनी चाहिए, और जो तलवे होते हैं वो तलवे में आपको बता ही दिया मैंने। और उसके अलावा आपको और भी किसी प्रकार का मेडिकल अगर पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए, तो नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।